हेलो, संदीप सर जी के परिवार में आप सबका स्वागत है। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलती है सारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द 2019 के करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आऊँगी, तो आज मैंने शुरुआत कर दी है 2019 के करंट अफेयर्स की। आज मैं आपको जनवरी 2019 के 120 से 125 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। आपको क्या करना है, आपको अपनी आँख, कान और दिमाग, इन सबको कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है। शायद आपको ऐसा लगे कि पहली बार में इतना सारा याद नहीं रहता, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ज़रूर याद आ जाएगा, अगर आप इस सेशन में कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपने मन को एकत्रित कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आयकर विभाग की एकीकृत ई फाइलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र 2 परियोजना को निम्नलिखित में से किस आईटी कंपनी ने लागू करने के लिए दिया गया? ठीक है, तो ई फाइलिंग और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2 प्रोजेक्ट किस कंपनी को दिया गया? ये दिया गया है इंफोसिस को। ठीक है, इंफोसिस। आप बस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट शब्द याद रखिए और आंसर याद रखिए। नेक्स्ट, 2019 के लिए G77 समूह के अध्यक्ष का पद किस देश ने संभाला है? G77 ग्रुप। ठीक है, याद रखिए G77 ग्रुप। ईयर कौन सा है? 2019। किसने संभाला है? पैलेस्टाइन ने। अगर यही क्वेश्चन अगर आपको 2020 के लिए पूछे G77 ग्रुप की चेयरमैनशिप, तो कंट्री हो जाएगा गुयाना। ठीक है, नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में करने की घोषणा की? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ई कॉमर्स बिजनेस विथ स्टेट गुजरात। ठीक है, किसी को लगता हो कि मैं थोड़ी स्पीड में जा रही हूं, लेकिन आप अगर आपको वन लाइनर्स याद रखना है तो इसी स्पीड से जाना होगा और आपको 100% याद रह जाएगा। ठीक है, आप एक बार कंसंट्रेशन से पढ़िए। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए यूपी कैबिनेट ने कितनी फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था? तो रिजर्वेशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन किसने, यूपी कैबिनेट ने, किसको? इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को। आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो 10% रिजर्वेशन, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को किस स्टेट ने सबसे पहले दिया? तो ये दिया गुजरात ने। ठीक है, गुजरात इज फर्स्ट टू इंप्लीमेंट 10% रिजर्वेशन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कौन है? मनु सहनी। ठीक है, ये जनवरी का करंट अफेयर्स है, तो जनवरी में जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है वो आप याद रखिए। भारत रबड़ एक्सपो 2019 का 10वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? इंडिया रबर एक्सपो 2019, तो सिटी इज मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय प्रधानमंत्री ने किस शहर में सरदार वल्लभ भाई आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया? प्राइम मिनिस्टर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन विच सिटी? अहमदाबाद। ठीक है, इसरो द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका नाम है यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग, उन्नति। ठीक है, उन्नति का फुल फॉर्म याद रखिए, यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग। तो कौन से सिटी में किया? ये किया बेंगलोर में। ठीक है, भारत का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाने की घोषणा की गई थी? सेकेंड डिफेंस इनोवेशन सेंटर, दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र, तो ये की गई थी नासिक में। ठीक है, नासिक। आसियान देशों तथा भारत के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक किस देश में आयोजित हुई थी? सेवेंथ मीटिंग। कौन से कंट्रीज की? टूरिज्म मिनिस्टर्स की, तो टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ आसियान कंट्रीज एंड इंडिया, तो ये कहां पर हुई थी? वियतनाम में। कहां पर? वियतनाम। ठीक है, देखिए आपको जरूर याद रहेगा, आप ऐसा मत सोचना कि एक बार इतने फटाफट करने से याद नहीं रहेगा। एग्जाम में जब भी ऑप्शंस आएंगे आप टिक करेंगे, आप देखेंगे कि सेवेंथ मीटिंग, फिर आप देखेंगे कि टूरिज्म ऑफ आसियान एंड इंडिया, तो आपको वियतनाम जरूर याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
जनवरी 2019 में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, तो कहाँ पर? मुंबई में, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा मुंबई। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 किसने जारी की? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट के सभी प्रारूप में जीत दर्ज की है? तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, हु वॉन? भारत, ठीक है, इंडिया। जनवरी 2019 में भारत ने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया? किसकी आपूर्ति? यूरेनियम, ठीक है, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर यूरेनियम, तो किस किस कंट्री के साथ? उज़्बेकिस्तान के साथ, ठीक है, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, और उज़्बेकिस्तान की करेंसी क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2020 के लिए विश्व की पहली आर्किटेक्चर राजधानी घोषित किया गया? यूनेस्को किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। क्या वर्ल्ड फर्स्ट आर्किटेक्चर कैपिटल किसको किया गया? रियो डी जेनेरियो को, जो कहां पर है? ब्राजील में, ठीक है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से किस बीजेपी सांसद को जूरी कमेटी स्पेशल अवार्ड संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? तो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से कौन है बीजेपी के एमपी, जिसको क्या मिला? एमपी रत्न, तो ये है अनुराग ठाकुर, ठीक है, याद रखिए, अनुराग ठाकुर। नासा ने किस मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर नासा ने शनि ग्रह के छल्लों की आयु 1 से 10 करोड़ वर्ष के बीच बताई है? तो नासा का ऐसा कौन सा मिशन है जो सैटर्न की रिंग्स को 1 से 100 मिलियन ईयर्स पुरानी बताता है? तो सैटर्न से रिलेटेड कौन सा मिशन है? कसीनी, ठीक है, कसीनी, याद रखिए, शनि कसीनी, शनि कसीनी, ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 2019 में लिंगायत समुदाय से संबंध रखने वाले 111 वर्षीय शिव कुमार स्वामी जी का निधन हो गया, वे किस मठ के प्रमुख थे? तो 111 ईयर ओल्ड थे शिव कुमार स्वामी जी, ठीक है, वो लिंगायत कम्युनिटी के थे, और उनकी डेथ हो गई तो वो किस मॉनेस्ट्री के थे? तो सिद्धगंगा मठ, ठीक है, वो थे सिद्धगंगा मठ के। सीबीएसई द्वारा कौन सा स्कूल सीबीएसई का चौथा परीक्षा केंद्र घोषित किया गया है? विच स्कूल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फोर्थ सेंटर? फोर्थ सेंटर ट्यूलिप्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पेटीएम कंपनी ने अपने ग्राहकों को बैंक की एफडी से दुगना लाभ देने के लिए कौन सी सर्विस शुरू की है? तो पेटीएम ने ऐसी कौन सी सर्विस शुरू की जिसमें कस्टमर को ट्वाइस अपनी फिक्स डिपॉजिट ऑफ द बैंक का मिलेगा? तो उस सर्विस का नाम है पेटीएम मनी, ठीक है, पेटीएम मनी। आप पेटीएम के फाउंडर का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। केंद्र सरकार की कौन सी योजना से रोजगार सृजन में 2019 तक करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा है? तो ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है जिससे मोर देन 1 करोड़ पीपल को एम्प्लॉयमेंट का लाभ पहुंचा? तो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा आईआईटी संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक कौन सी आईआईटी करेगी? आईआईटी हैदराबाद, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईआईटी हैदराबाद। क्रिकेट इतिहास में किस खिलाड़ी ने पहली बार तीनों आईसीसी अवार्ड्स एक साथ अपने नाम कर लिए? ऑल थ्री आईसीसी अवार्ड्स नाम है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये तीनों किसने अपने नाम किए? विराट कोहली ने, ठीक है। किस संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 1% लोगों के पास 50% आबादी के बराबर संपत्ति है? ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया कि 1% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया हैव एसेट्स इक्वल टू 55% ऑफ पॉपुलेशन? तो ये रिपोर्ट जारी किया है ऑक्सफैम ने, ठीक है, ऑक्सफैम। नेक्स्ट, फ्रांस की डेटा निगरानी संस्था ने नए डेटा प्राइवेसी कानून जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर फॉर्मूला फुल फॉर्म क्या है?
जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का पहली बार इस्तेमाल कर गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो कंपनी कौन सी है? कंपनी है फ्रेंच डेटा मॉनिटरिंग बॉडी, ठीक है। उसने गूगल पर फाइन लगाया कितने का? 404 करोड़ का, ठीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 22 जनवरी 2019 को विधानसभा में पिछली बार के 80,200 करोड़ रुपए के मुकाबले कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था? तो झारखंड के मुख्यमंत्री अभी नए चुने गए हैं, तो ये पहले कौन थे? रघुवर दास। तो उन्होंने कितना बजट किया है? तो 85,429 करोड़ रुपए, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रकाशनों में के मामले में दुनिया में भारत कौन सी रैंकिंग पर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च लेवल में इंडिया कौन सी रैंकिंग पर है? तो तीसरी रैंकिंग पर, ठीक है। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थर्ड रैंकिंग पर है। विच स्टेट हैज वॉन द मोस्ट मेडल्स इन खेलो इंडिया 2019? तो किस स्टेट ने? महाराष्ट्र ने। आपको पता है 2020 में भी महाराष्ट्र ने ही मोस्ट ऑफ द मेडल्स जीते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय स्मारक स्थल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया था? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मेमोरी में है। तो ये इनका इनॉग्रेशन कहाँ हुआ? रेड फोर्ट में। कहाँ पर? लाल किले में, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्र बैंक ने देश में 100 रुपए से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो एक ऐसा देश है जिसने इंडियन नोट्स जो 100 रुपए से ज्यादा है, जैसे कि 500 की नोट, 2000 की नोट्स, उस पर बैन लगा दिया। तो वो किस देश ने? नेपाल ने, ठीक है, याद रखना। रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा राज्य 11.3% की दर के साथ वित्त वर्ष 2017-18 में राज्यों के विकास दर के मामले में टॉप पर रहा? तो क्रिसिल रिपोर्ट एजेंसी के मुताबिक जिस स्टेट का ग्रोथ रेट फिस्कल ईयर 2017-18 में 11.3% रहा, वो है बिहार, ठीक है, बिहार। नेक्स्ट, भारत रत्न से सम्मानित किस वैज्ञानिक को प्रथम शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो जो भारत रत्न अवॉर्डी एक साइंटिस्ट है, उसको एक दूसरा अच्छा अवॉर्ड मिला, वो है फर्स्ट शेख सौद इंटरनेशनल अवॉर्ड। तो ये कौन है? प्रोफेसर CNR राव, डॉक्टर CNR राव, ठीक है। किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज का ICC के पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018, ठीक है, इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन, ठीक है, ICC इमर्जिंग प्लेयर 2018, कौन सा वर्ष? 2018। तो ये किसे मिला? ऋषभ पंत को, ठीक है। यूनेस्को ने 2020 के लिए किस शहर को विश्व राजधानी की वास्तुकला के रूप में, ये तो मैंने बता दिया आपको, आर्किटेक्चर ऑफ द वर्ल्ड कैपिटल, किसे? रियो डी जेनेरियो को। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2019 रिपोर्ट के अनुसार सूचित सार्वजनिक श्रेणी में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो एक एडल ट्रस्ट बैरोमीटर जो है, उसने 2019 में एक रिपोर्ट की, उस रिपोर्ट का नाम क्या था? पब्लिक इन्फॉर्म पब्लिक कैटेगरी, उसमें भारत की पोजीशन क्या थी? दूसरी, ठीक है। तो बैरोमीटर शब्द आपको दिखे, एडमिन ट्रस्ट बैरोमीटर, तो भारत की रैंकिंग दूसरी। किस देश के प्रधानमंत्री 15वें भारत प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे? तो हमारा जो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस था, 15th प्रवासी भारतीय दिवस, तो उसमें मॉरिशियस के प्रधानमंत्री, मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर जो थे, वो हमारे गेस्ट थे, ठीक है। तो वो कहां पर आयोजित किया गया 15वां प्रवासी भारतीय दिवस? तो वो आयोजित किया गया था वाराणसी में, ठीक है। उसके गेस्ट थे मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर और वो आयोजित किया गया था वाराणसी में, ठीक है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत वर्ष 2017 में 2030-31 तक कितने मिलियन टन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो जो नेशनल स्टील पॉलिसी है उसने कैसा टारगेट रखा है कि कितने मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन 2030-31 में होगा? तो वो होगा 300 मिलियन टन्स, ठीक है। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने 24 जनवरी 2019 को किस स्थान पर
आईएनएस कोहसा के नए नौसैनिक एयरबेस का उद्घाटन किया तो किसने? नेवल चीफ एडमायरल सुनील लांबा, उन्होंने इनॉग्रेट किया। तो उस नेवल एयरबेस उसका नाम क्या है? आईएनएस कोहसा, आईएनएस कोहसा नाम याद रखिए। तो वो कहाँ पर किया गया था? अंडमान निकोबार। ठीक है, जब भी आपको आईएनएस कोहसा दिखे और उसके साथ कोई जगह पूछे तो अंडमान निकोबार। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019 में 7.5% तथा 2020 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ठीक है, तो 2019 में इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है वो 7.5% था, तो 2020 में उसका एस्टिमेट क्या लगाया गया है? 7.7%। ठीक है, ये एक एस्टिमेट है, अनुमान लगाया है। नेक्स्ट, कैबिनेट ने जीएसटी अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दे दी है, इसमें एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होंगे? तो ठीक है, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल बेंच ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स विल बी इन इट बिसाइड्स द चेयरमैन? तो चेयरमैन के साथ इस जीएसटी अपीलेट में कितने मेंबर्स होंगे? 2 मेंबर। ठीक है, भारत के छात्रों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे छोटे और हल्के सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे इसरो ने प्रक्षेपित किया है? तो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट सैटेलाइट किसने बनाया? हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स ने। तो इसको लॉन्च किसने किया? इसरो ने, और इसका नाम क्या है? कलाम सेट। ये एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज याद रखिए। किस साहित्यकार को जनवरी 2019 में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया? ठीक है, सितांशु यशचंद्र। अवार्ड कौन सा अवार्ड है? सरस्वती अवार्ड। किसे दिया गया? सितांशु यशचंद्र को। और ये अवार्ड कौन देता है, कौन सा फाउंडेशन? तो ये सरस्वती सम्मान अवार्ड है, हर साल के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन। नेक्स्ट, कैरियन गंडियाल ब्रिज जिसका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया था, किस राज्य में स्थित है? तो ब्रिज का नाम क्या है? कैरियन गंडियाल ब्रिज। ठीक है, हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, याद रखिए, कैरियन गंडियाल ब्रिज जम्मू कश्मीर। ठीक है, कैरियन गंडियाल ब्रिज जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, रेलवे पुलिस बल की महिला टीम जयमिति वहिनी किस राज्य में शुरू की गई थी? तो एक रेलवे पुलिस फोर्स है जिसका नाम जयमती वहिनी है, वो किसने लॉन्च की? वो असम ने। ठीक है, जयमती वहिनी क्या है? एक रेलवे पुलिस बल है, ठीक है, महिला टीम है, और किसने की? असम ने। ठीक है, किस धावक ने टाटा मुंबई मैराथन 2019 का पुरुष खिताब जीता है? तो जो रनर है जिसने टाइटल जीता है टाटा मुंबई मैराथन 2019 का, उसका नाम है कोस्मास लगोट। ठीक है, कोस्मास लगाट। ठीक है, नाम याद रखिए, टाटा मुंबई मैराथन 2019। 22 जनवरी 2019 को भारतीय नौसेना ने देश के तट से दूर अपना सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास शुरू किया, ये नौसैनिक अभ्यास का कोड नेम क्या है? तो इंडियन नेवी ने अपना एक कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज शुरू किया। ठीक है, उस नेवल एक्सरसाइज का कोड नेम क्या था? उस नेवल एक्सरसाइज का कोड नेम था सी विजल। उस भारतीय बंदरगाह का नाम बताइए जो लॉयड्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 30 कंटेनर बंदरगाहों में सूचीबद्ध है। तो आपको एक इंडियन पोर्ट बताना है जो टॉप 30 कंटेनर पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के रिकॉर्ड में आ चुका है, और वो रिपोर्ट किसने जारी की है? लॉयड रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो वो कौन सा पोर्ट है इंडिया का? वो है JNPT पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार नामक एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की है, 2019 के लिए किस संगठन संस्था को यह पुरस्कार दिया गया है? तो अवार्ड का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। ठीक है, और वो 2019 के लिए किस को दिया गया है? 2019 के लिए नेशनल डिफेंस रिस्पांस फोर्स,
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल इनको दिया गया है। ठीक है, अब 2020 के लिए किसको दिया गया है, मैंने कल ही करंट अफेयर सेशन में आपको बताया है, तो 2020 का बताइए। देखिए, आप क्वेश्चन पढ़कर जल्दबाजी मत कर लेना, कौन सा साल पूछा है ये भी आराम से देखना, 2019 के लिए पूछा है या 2020 के लिए पूछा है। ठीक है, INS कोसा का नाम एक नया नौसैनिक हवाई अड्डा किस राज्य और केंद्र में स्थित है, मैंने बताया INS कोसा अंडमान निकोबार। ठीक है, जनवरी 2019 में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10 स्वायत्त परिषदों का अधिक शक्ति और धन देने का फैसला किया था। ऐसा करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आप लोग ने हमारी सारी अनुसूचियाँ पढ़ी होगी, 12 अनुसूचियाँ, ठीक है, 12 शेड्यूल्स पढ़े होंगे। तो इसमें ये पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीशन लिया है मोर पावर देने का, पावर और मनी देने का 10 ऑटोनोमस काउंसिल को। ठीक है, और वो कौन से रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है, तो वो शेड्यूल 6। ठीक है, शेड्यूल 6। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2019 का विषय क्या है, आपको पता है राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और 2019 के लिए उसका थीम क्या था, 2019 के लिए थीम था एक उज्जवल कल के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ब्राइट टुमारो। ठीक है, किस राज्य का स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश का, और इस बार 50वां स्टेट डे, स्टेट फाउंडेशन डे मनाया गया था 2020 में। ठीक है, जिंदगी नामक उपन्यास की प्रसिद्ध हिंदी लेखिका का क्या नाम है जिनका जनवरी माह में निधन हो गया था, तो जनवरी में निधन हो गया था, कौन सी नॉवेल राइटर, जिस मतलब नॉवेल का नाम है जिंदगी नामा और उसकी राइटर कौन थी, कृष्णा सौबती। ठीक है, वसीम जाफर कितने बार रणजी ट्रॉफी की एक सीजन में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। ठीक है, तो वसीम जाफर के बारे में पूछा है, तो फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 1000 रन इन सीजन ऑफ रणजी ट्रॉफी, तो ये 2 बार बन गए, कितनी बार, 2 टाइम्स। ठीक है, नाम याद रखिए, वसीम जाफर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2019 रिपोर्ट के अनुसार किस देश में वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, वैश्विक आर्थिक स्थिति, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र एंड प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, WESP, तो उन्होंने रिपोर्ट जारी की है, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है, 2019 और 20 कौन सा देश बन रहा है, भारत, ठीक है, इंडिया। ये रिपोर्ट का नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं। ठीक है, किस राज्य द्वारा स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित किया जाने की घोषणा की है, विच स्टेट हैज अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, तो कौन सा राज्य गया है, तेलंगाना, तो आप ऐसे भी याद सकते हैं TT टाइगर तेलंगाना। ठीक है, आपको बस याद होना चाहिए, ट्रिक आप कोई भी बना लो याद करने की। ठीक है, जनवरी 2019 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तहत तैयार की गई ग्लोबल कमीशन ऑन फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की गई थी, तो 2019 में एक रिपोर्ट जारी की गई ग्लोबल कमीशन ऑन फ्यूचर ऑफ वर्क, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई, ये जारी की गई ILO द्वारा। ठीक है, ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी कर लंबी दूरी के तह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM विकसित की है, तो ठीक है, लॉन्ग रेंज मिसाइल इंडिया ने डेवलप की है, उसका नाम क्या है, LRSAM, और वो मिसाइल है सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, सतह से हवा,
ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है या सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो LRSAM भारत ने किस देश की मदद के साथ की है? तो ये इसराइल की मदद के साथ। ठीक है, इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, और इसराइल की करेंसी क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, किस देश ने भारत और दक्षिण एशिया में नाइट्रोजन प्रदूषण के अध्ययन करने के लिए दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब शुरू किया है? क्या शुरू किया है? साउथ एशियन नाइट्रोजन हब, किसके लिए? नाइट्रोजन पोल्यूशन को स्टडी करने के लिए, इंडिया और साउथ एशिया के। ठीक है, तो ये किस देश ने शुरू किया है? ब्रिटेन ने, यूके ने। ठीक है, साउथ एशियन नाइट्रोजन हब किसके लिए? नाइट्रोजन स्टडी करने के लिए, कहाँ का? इंडिया और साउथ एशिया का। किस जगह 12वें जयपुर साहित्य उत्सव का शुभारंभ हुआ? ठीक है, 12th जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, तो वो जयपुर में। इस बार 2020 में 13वां हुआ था, 13वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन सा देश 2018 में प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित था? तो यूनाइटेड नेशंस के अनुमान से, मतलब कौन सा कंट्री नेचुरल डिजास्टर से, ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ? तो ये अफेक्ट हुआ भारत। ठीक है, आपको पता है नेचुरल डिजास्टर्स मतलब फ्लड आना, फिर तूफान, साइक्लोन, ये सब। तो भारत जो है वो 2018 में सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ। सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन ने जनवरी 2019 में स्वदेशी उत्पादन जैव ईंधन को मंजूरी दी। इस जैव ईंधन का उत्पादन किस पौधे के बीज से हुआ है? द सेंटर ऑफ मिलिट्री एयरवर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन अप्रूव्ड इंडिजिनसली प्रोड्यूस बायोफ्यूअल्स इन जनवरी 2019। विच प्लांट इज प्रोड्यूस फ्रॉम दिस विच प्लांट नहीं सॉरी विच प्लांट इज नहीं फ्रॉम विच प्लांट दिस बायोफ्यूअल इज प्रोड्यूस। तो ऐसा कौन सा प्लांट है, कि कौन सा पौधा है जिसके बीज से हम बायोफ्यूअल बना सकते हैं? तो उस पौधे का नाम है जेट्रोपा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिए जेट्रोपा। ठीक है, किस सोशल मीडिया नेटवर्क ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता पंजीकरण अनुस्मारक के लिए एक अभियान शुरू किया है? ठीक है, विच सोशल मीडिया नेटवर्क हैज लॉन्च अ कैंपेन फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन। तो एक सोशल मीडिया नेटवर्क है जिसने वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए एक नेटवर्क तैयार किया है नेशनल वोटर्स डे पर, तो वो फेसबुक ने। ठीक है, फेसबुक के फाउंडर सीईओ आपको पता है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस ने के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिगो एयरलाइंस? आपको पता है कि सीईओ से क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिए रॉन्जोय दत्ता। ठीक है, रॉन्जोय दत्ता। आईआर, आप आईआर कर सकते हैं, आईआर मतलब इंडियन रेलवेज भी है, पर ऐसे मत याद रखने, इंडियन रेलवेज नहीं, आई से होता है इंडिगो और आर से होता है रॉन्जोय दत्ता। ठीक है, सेना कर्मियों में से किस कीर्ति चक्र 2019 से सम्मानित किया गया है? तो आर्मी में कीर्ति चक्र 2019 किनको मिला है? तो ये मिला है सोवर विजय कुमार को। ठीक है, उनको मरणोपरांत मिला है, और दूसरे मेजर तुषार गौबा को। ठीक है, सोवर विजय कुमार एंड मेजर तुषार गौबा। किस पुलिस बल ने गणतंत्र दिवस 2019 पर बहादुरी के लिए अधिकतम पुलिस पदक प्राप्त किए हैं? तो बहादुरी के लिए, ब्रेवरी के लिए मैक्सिमम पुलिस मेडल किस पुलिस फोर्स को मिले हैं? तो मिले हैं CRPF को। ठीक है, CRPF। मलेशिया के नए राजा के रूप में किसे नामित किया गया था है? तो हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू किंग ऑफ मलेशिया? तो सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। ठीक है, सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का महिला खिताब किसने जीता है? तो वुमेन सिंगल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019, नाओमी ओसाका। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट,
नासा के अनुसार जनवरी 2004 में लैंड करने वाले उसके अपॉर्चुनिटी रोवर यान ने मंगल ग्रह पर कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो कैसे मैंने पहले बताया, कसिनी जो है, ठीक है, कसिनी तो वो किससे रिलेटेड था? शनि से। और अब कौन सा रोवर आ गया? अपॉर्चुनिटी रोवर, तो वो किससे रिलेटेड है? मार्स से, मतलब मंगल ग्रह से, ठीक है। उसने कितने, वो 2004 में लॉन्च किया गया था और उसने कितने वर्ष खत्म किए? 15 वर्ष, ठीक है, 2019 तक उसने 15 वर्ष पूरे किए। किसने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता? हु हैज रिसेंटली वॉन द मैन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन? नोवाक जोकोविच, ठीक है। वुमेन सिंगल में ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी ओसाका, और मैन सिंगल में नोवाक जोकोविच। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, हाउ मेनी केसेस आर पेंडिंग इन ईच जज ऑफ द हाई कोर्ट? तो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा जो है, ये अनुमान लगत मतलब बोल रहा है कि जितने भी हाई कोर्ट है उसमें अब तक कितने डेटा पेंडिंग है, तो 4419, इतने सारे डेटा जो है, इतने सारे केस जो है अभी तक हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बन गई? तो बैडमिंटन प्लेयर जो फर्स्ट फीमेल शटलर बनी, कहां पर? इंडोनेशिया मास्टर्स में, साइना नेहवाल, ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि शारीरिक रूप से अक्षम पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को प्रति माह कम से कम कितने हजार रुपए पेंशन दी जाएगी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह फैसला किया है, तो कितने 1000 रुपीज जो पेंशन है वो फिजिकली डिसेबल्ड, ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के फैमिलीज को मिलेंगे, तो 18,000 हर महीने मिलेंगे, ठीक है। भारत की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो ट्रेन 18 जो है वो सबसे बड़ी तेज चलने वाली गाड़ी, और उसका नाम बना गया वंदे एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। आईसीसी ने पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद को नस्लवाद विरोधी कोड तोड़ने का दोषी मानते हुए उन पर कितने मैचों का बैन लगाया है? तो पाकिस्तानी कप्तान है सरफराज अहमद, उन पर ब्लेम है, तो कौन सा ब्लेम है? ब्रेकिंग द एंटी रेसिस्ट कोड, और उनको 4 मैच से रद्द कर दिया गया, ठीक है। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स GTCI 2019 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसमें भारत 80वें स्थान पर था, किसमें? साल 2019 में, ठीक है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही करवाया है कि साल 2020 में वो कौन से रैंक पर है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि साल 2020 में वो कौन से रैंक पर है भारत, ठीक है। 2019 ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान प्राप्त किया? तो इंडेक्स का नाम है ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, उसमें 54, याद रखिए, ब्लूमबर्ग 54, ब्लूमबर्ग 54, ऐसे आपको 2-3 बार बोलने से याद रह जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राज्य महोत्सव घोषित किया, ठीक है। फेस्टिवल का नाम है पक्का पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, उसको अपना स्टेट फेस्टिवल बनाया, किसने? अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि स्टेट फेस्टिवल बना दिया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को 2018 का हिंदी शब्द के रूप में चुना? हिंदी वर्ड ऑफ ईयर 2018 नारी शक्ति, और मैंने कल ही आपको कराया कि 2019 का वर्ड कौन सा है? संविधान, ठीक है। आप याद रखिए कि कौन सा साल आपको पूछ रहा है, 2019 पूछे तो संविधान। भारतीय रेलवे ने एक विशेष ट्रेन शुरू की है जो गौतम बुद्ध और B.R. अम्बेडकर से जुड़े स्थलों के दर्शन कराएगी, उस विशेष ट्रेन का नेम क्या है? तो वो कौन सी ट्रेन है जो गौतम बुद्ध और B.R. अम्बेडकर से रिलेटेड जो भी सिटीज है, जो भी जगह है, उनकी सैर कराएगी? तो उसका नाम है पेरिटी एक्सप्रेस। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करते हुए भारत पर्व का चौथा संस्करण 26 जनवरी को किस ऐतिहासिक स्मारक की जगह पर शुरू हुआ? तो भारत पर्व जो है वो 2019 और 2020 दोनों कहां पर हुए? रेड फोर्ट के ग्राउंड में, ठीक है, रेड फोर्ट। नेक्स्ट, भारत में 11 साल पहले मिले सुपर बर्ग के जुड़े जीन की किस स्थान पर पहचान सुनिश्चित हो पाई है?
तो 11 साल पहले भारत में एक सुपर बग, कोई जंतु या कोई इंसेक्ट होगा सुपर बग, उसकी जीन मिली थी। उस जीन को नाम दिया गया BLA-NDM1। तो वो अभी 11 साल बाद कहाँ पर मिला है? मिला है आर्कटिक में। कहाँ पर? आर्कटिक में। भारत की क्रिकेट टीम ने जनवरी 2019 में किस देश की टीम के खिलाफ 10 वर्ष बाद उसके ही घरेलू मैदान पर सीरीज जीतने में कामयाबी हासिल की है? तो 10 साल बाद वहीं पर, उन्हीं कंट्री के मैदान पर जाकर भारत ने जीत हासिल की, तो वो कौन सा है? वो न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक, न्यूजीलैंड। किस स्थान के हवाई अड्डे को विश्व का सबसे अधिक व्यस्त हवाई अड्डा, बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला गया? दुबई को। ठीक है। भारत के उस पूर्व रक्षा मंत्री का क्या नाम है जिनकी अगुवाई में वर्ष 1974 में देश की सबसे बड़ी रेलवे हड़ताल आयोजित की गई थी? ठीक है। तो ऐसे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिसकी लीडरशिप में लार्जेस्ट रेलवे स्ट्राइक हुई थी 1974 में, तो उनका नाम है जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस। नेक्स्ट, जनवरी 2019 में लंदन की कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी रिपोर्ट में किस कंपनी को भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी घोषित किया गया? तो ये रिपोर्ट किसने जारी की? लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी, ठीक है, फर्म ब्रांड फाइनेंस में। इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन है? टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत स्टील उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर है? ठीक है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया स्टील प्रोडक्शन में कौन से स्थान पर है वर्ल्ड में? तो दूसरे स्थान पर। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के बारे में बोलते हुए कहा है कि एक क्षेत्र में 3 दिन की जातीय हिंसा में कम से कम 890 लोग मारे गए थे तथा यहाँ 50 से अधिक सामूहिक कब्रें मिली है? तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 890 पीपल की डेथ हो गई है वायलेंस में, तो वो कौन सा देश है? कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो में ये हुआ है। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस के एरोस्पेस स्टार्टअप का क्या नाम है जिसने अमेरिका में रॉकेट इंजन के अपने नए प्लांट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है? तो जेफ बेजोस जो है वो रिचेस्ट मैन है और उसने एक स्टार्टअप शुरू किया है। ठीक है, उस न्यू रॉकेट इंजन का प्लांट का नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन। ठीक है, ब्लू ओरिजिन। किस टीम ने आठवीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती? ठीक है, तो 8th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस ने। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज जो आइस हॉकी है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, किसका नेशनल स्पोर्ट्स है, ये बताइए। ठीक है, अटल सेतु गोवा की किस क्षेत्रीय नदी पर स्थित है? अटल सेतु इज लोकेटेड ऑन विच रीजनल रिवर ऑफ गोवा? तो ठीक है, तो वो मांडोवी रिवर जो है रीजनल रिवर है, वहां पर अटल सेतु है। किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडोनेशिया मास्टर्स, ठीक है ये तो हो गया, साइना नेहवाल ने। नेक्स्ट, किस भारतीय गोल्फर ने न्यू साउथ वेल्स पुरुषों की एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? तो न्यू साउथ वेल्स की एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है कार्तिक शर्मा ने। ठीक है, कार्तिक शर्मा गोल्फ खेलते हैं। ठीक है, भारत पेट्रोलियम की एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना का उद्घाटन जनवरी 2019 में किस शहर में किया गया था? इन विच सिटी वॉज द भारत पेट्रोलियम्स इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एक्सपांशन प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड? ठीक है, तो ये किया गया था कोची में। कहां पर? कोची में। साहित्य अकादमी पुरस्कार समारोह में हिंदी भाषा के लिए किस साहित्यकार को पुरस्कृत किया गया? ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज किसको दिया गया? चित्रा मुग्दल को। किसको? चित्रा मुग्दल को। तो चित्रा मुग्दल जो है वो उनको उनकी रचना पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, इसके लिए दिया गया, जो एक किन्नर के जीवन पर आधारित है। ठीक है,
केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए सहायता के तौर पर किस राज्य को अब तक का सबसे बड़ा 4714.28 करोड़ रुपए का पैकेज दिया? ठीक है, तो इतना बड़ा पैकेज जो है वो ड्रॉट ड्रॉट आपको पता है कि महाराष्ट्र में सूखा हुआ था, ठीक है, तो महाराष्ट्र इसका आंसर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2019 में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट ने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बनाने का अनाउंसमेंट किया, उसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, किस देश के नाविक जॉन लुक वैन डेन हीड ने 29 जनवरी 2019 को 212 दिन में बिना किसी अत्याधुनिक उपकरण की मदद से अकेले अपनी यॉट के जरिए समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाने की रेस जीत ली? ठीक है, तो ये जो है फ्रांस से है, नाम क्या है? जॉन लुक वान डेन। ठीक है, उन्होंने रेस जीत ली है अपनी याक से 212 दिन में पूरा दिन का पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित स्वस्थ भारत यात्रा के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ठीक है, कौन सा अवार्ड है? स्वस्थ भारत यात्रा किसने ऑर्गेनाइज किया? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसको मिला? तमिलनाडु को। ठीक है, स्वस्थ भारत यात्रा अवार्ड। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी 2019 को किस राज्य में नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया? सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया? गुजरात में। डार्लिंग नदी किस देश में स्थित है जहां जनवरी 2019 में सूखे के कारण हजारों मछलियां मरी हुई पाई? तो ये डार्लिंग रिवर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, गणतंत्र दिवस के मौके पर विभिन्न राज्यों और सरकारी विभागों ने झांकी थीम के माध्यम से अपने अद्वितीय गुणों को दिखाया। हर साल भारत सरकार गणतंत्र दिवस के 2 दिन बाद सर्वश्रेष्ठ झांकी की घोषणा करती है। ठीक है, तो 2019 में विभिन्न भागों द्वारा प्रस्तुत अद्वितीय झांकी की प्रदर्शनी देखी गई। मतलब ये सवाल ये बोलना चाहता है कि आपको पता है कि बेस्ट टेब्लू का अवार्ड मिलता है रिपब्लिक डे के 2 दिन बाद। अलग अलग देश जो है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना अपना जो टेब्लू होता है वो दिखाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, तो 2019 में वो किसने जीता? तो किसान गांधी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, किसान गांधी भारतीय कृषि अनुसंधान ने वो झांकी का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य तंबाकू के पत्तों का सबसे बड़ा उत्पादक है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबेको लीव्स। कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, 2019 जनवरी का करंट अफेयर्स है, तो उस हिसाब से जो भी है वो आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत ने किस एशियाई देश के साथ तंबाकू के पत्ते के निर्यात के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एशिया की कौन सी कंट्री है जिसके साथ टोबेको लीव्स एक्सपोर्टिंग के लिए प्रोटोकॉल साइन किया है? तो किया है चाइना के साथ। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षण परियोजना ICAR ने किस विश्व संगठन के साथ साझेदारी शुरू की? तो ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। किसके साथ पार्टनरशिप की? वर्ल्ड बैंक के साथ। ठीक है, हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए। 12 वर्षों के अंतराल के बाद भारतीय छात्र अंतर्राष्ट्रीय छल मूल्यांकन कार्यक्रम में भाग लेंगे, तो जो PIS है किसके लिए, किसके जरिए हर साल में एक छात्र मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करता है? आफ्टर अ गैप ऑफ 12 ईयर्स इंडियन स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ठीक है, तो थ्रू विच डज पीसा कंडक्ट अ स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट every 3 ईयर्स? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ ये पीसा जो है PISA वो अपना एग्जाम कंडक्ट करता है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आर्थिक सहायक और विकास संगठन, इकोनॉमिक सपोर्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जिन्होंने 1958 के पोखरण
परमाणु परीक्षण की देखरेख की, तो 29 जनवरी 2019 को मृत्यु हो गई, इनका नाम क्या है? ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस। पोखरण के साथ कौन सा डिफेंस मिनिस्टर थे? जॉर्ज फर्नांडिस। ये एग्जाम क्वेश्चन में आ चुका है, याद रखिए। किस लेखक को जनवरी 2019 में श्रीलाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया? अवार्ड का नाम क्या है? श्रीलाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान। तो किसे दिया गया? रामधारी सिंह दिवाकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिवाकर। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गौशाला के तहत राज्य में अगले 4 महीने में 100 गौशालाएं खोलने का निर्णय लिया है? तो 100 गौशाला खोलने का निर्णय, 100 गौशाला खोलने का निर्णय मध्य प्रदेश ने लिया। वर्ष 2019 के अंतरिम बजट को किसके द्वारा पेश किया गया था? ठीक है, इंटरिम बजट 2019 पीयूष गोयल जी ने किया था, क्योंकि आपको पता है कि अरुण जेटली जी की जो तबीयत थी वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो उनके बदले पीयूष गोयल जी ने किया। यूएई और सऊदी अरब द्वारा लॉन्च की गई साझा डिजिटल करेंसी का क्या नाम है? तो एक डिजिटल करेंसी है जो यूएई और सऊदी अरेबिया ने लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? ABER, अबेर। ठीक है, ABER, ये एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, किस आईआईटी टीम ने नदी की धारा से बिजली बनाने वाला डिवाइस टेस्ट किया है? तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्ट्रीम ऑफ वाटर, तो ये किसने किया है? आईआईटी रुड़की ने। ठीक है, आईआईटी रुड़की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में किस देश को 78वें स्थान पर रखा गया है? विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड 78th इन द वर्ल्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? ठीक है, तो ये 2020 में भी जारी किया गया है, तो आप बताइए कि 78th रैंक इंडिया का इसमें हुआ था, तो अभी हाल में कौन सा रैंक है? मैंने कुछ दिन पहले ही आपको कराया। ठीक है, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने किस राज्य के कोटपुतली स्थित आदर्श विद्या मंदिर में सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया? ठीक है, तो राज्यवर्धन राठौड़ ने सोलर पावर प्लांट आदर्श विद्या मंदिर कहाँ पर? कोटपुतली में। तो वो कौन से स्टेट में है? वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजी अल्फोंस ने किस राज्य में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? तो टूरिज्म मिनिस्टर केजे अल्फोंस। ठीक है, और फर्स्ट इंडिजिनस फिलोसॉफी प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ पर किया? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में। केंद्र सरकार ने पीएचडी छात्रों को मिलने वाली रिसर्च फेलोशिप में बढ़ोतरी करते हुए जूनियर रिसर्च फेलोशिप को 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दी है? तो ये कर दी है 31,000। पहले जेआरएफ होते थे, जूनियर रिसर्च फेलो होते थे, उनको कितना मिलता था? 25,000। अब कितना कर दिया? 31,000। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? तो ये भी पूछ सकते हैं कि इंडियन ट्रांसजेंडर जिनको पहला पद्मश्री मिला उनका नाम है डांसर नटराज, नर्तकी नटराज। किस राज्य सरकार ने शहरी गरीब युवाओं के लिए युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है? तो युवा स्वाभिमान योजना, ठीक है, फॉर अर्बन पुअर यूथ, मध्य प्रदेश ने। कौन सी योजना किस राज्य ने की है उस पर से क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज कीजिएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 के अनुसार भारत ने अपनी रैंकिंग में कितने अंकों का सुधार किया है? तो ये 3 अंकों का। ठीक है, रैंक 3 नहीं है, पर कितने अंकों का सुधार किया है? ठीक है, ये पूछा है। तो हाउ मेनी पॉइंट इंडिया हैज इम्प्रूव। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वैश्विक, ये आपको बता दिया कि ये रैंकिंग थी 78। ठीक है, 2019 में किस राज्य सरकार ने 29 जनवरी 2019 को शिशुओं की मृत्यु को रोकने के लिए एक विशेष योजना शुरू की? ठीक है, तो स्कीम टू प्रिवेंट इन्फेंट डेथ्स, छोटे छोटे बच्चे जो शिशु होते हैं उनके उनको उनकी मृत्यु को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने योजना की।
न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रैवल शो 2019 में किस देश ने बेस्ट इन शो के लिए उत्कृष्ट का पुरस्कार जीता है? बेस्ट इन शो किसमें? न्यूयॉर्क टाइम ट्रैवल्स में किसने जीता? इंडिया ने. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है. जनवरी 2019 में स्वदेश दर्शन परियोजना के तहत पहली परियोजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट. ठीक है, किसने की? सिक्किम ने. स्वदेश दर्शन सिक्किम, स्वदेश दर्शन सिक्किम, ऐसे दो तीन बार बोल के याद करेंगे, हो जाएगा. राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के लिए परिसर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वॉज द न्यू कैंपस ऑफ द नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट इनॉग्रेटेड? तो नेशनल म्यूजियम कहाँ पर हुआ? नोएडा में. ठीक है, नोएडा. तो थैंक यू वेरी मच. आप उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया. मैं जल्द से जल्द फरवरी मार्च आगे वाले महीनों के भी आपके लिए लेके आऊँगी. और मुझे पता था बहुत लंबा सेशन था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन क्या है कि आपको पता नहीं है ना कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाए, इसलिए सारे करने ज़रूरी हैं. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सेशन को लाइक करेंगे और बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.